ये मानना ही नहीं तो बटवाते क्यों है फिर? नहीं नहीं मानना ही नहीं तो ये बटवाते क्यों है सदन में, ले ही क्यों करवाते? थैंक यू। जो एजेंसियां हैं संवैधानिक उसी की ना बात कर रहे हैं, मिटवा दीजिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। आज बिहार विधानसभा के भीतर माहौल काफी गरमाया हुआ है। तेजस्वी यादव एक के बाद एक सरकार के दावों की पोल खोलते जा रहे हैं। इसी बीच अचानक से गुस्सा हो गए और कहा कि ये सब फाड़ कर फेंक दे क्या? आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों कहा, आप खुद उनसे सुनिए। कि बिहार सरकार ने उस पैसे का क्या किया, अब बताइए कौन क्या हो रहा है भाई? इसीलिए 80 घोटाले हो जा रहे। कोई अधिकारी, कोई मंत्री, किसी पर जो है नेता प्रतिपक्ष, अध्यक्ष महोदय, यह सीए जी का रिपोर्ट कब का है? ये 19-20 का है। ये रहा महोदय, अध्यक्ष महोदय, हम तो अध्यक्ष महोदय, अरे मतलब अब तो सीए जी पे ही सवाल उठाया जा रहा है ना? मतलब अगर आप समझ नहीं रहे, सीएजी पर नहीं उठाया जा रहा है, सीएजी की प्रक्रिया का मैंने बताया और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आप ही के एक मिनट आप ही के दल के विरोधी, सबका समय आएगा, विरोधी ही उसके अध्यक्ष होते हैं, सबका विरोधी दल के लोग ही उसके अध्यक्ष होते हैं, आप ही का पार्टी का कोई होगा अध्यक्ष उसका? मैंने बताया कि सीएजी 100% नहीं करता, कभी कभी विभाग से हिसाब आने में भी लेट होता है, जो आप कर रहे तीन मार्च तक का। अब सुनिए ना, अरे 30 मार्च तक, 31 मार्च तक नहीं है वो सीएजी। सीएजी जब भी देती है तो 5 साल का ना दे रही है, 5 साल का ना दे रही है सीएजी, आया बोलिए तो 1 साल का। ठीक है ललित जी, ठीक है हाँ। अरे महोदय देखिए, अरे महोदय देखिए, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, नहीं अध्यक्ष महोदय ये तो हमारे समय को क्यों बर्बाद किया? नहीं नहीं, आपका समय का बर्बाद नहीं, सदुपयोग किया जा रहा है। तो कई माने का उत्तर क्या होगा फिर? कई माननीय का उत्तर कौन देगा? नहीं, कई माननीय नए सदस्य भी बैठे हैं, क्या मतलब, थोड़ा जानकारी भी चाहता है कि ये रिपोर्ट लोक लेखा समिति के विचाराधीन होना चाहिए और नियम 236 नियमावली के अंदर। अच्छा ठीक है, बोलिए अध्यक्ष, ये सारा 19-20 का है, 19-20 का है तो या मानना ही नहीं तो बटवाते क्यों है फिर? नहीं नहीं मानना ही नहीं तो ये बटवाते क्यों सदन में, ले ही क्यों करवाते? थैंक यू, टेकवा ही दीजिए। चलिए बोलिए नेता प्रतिपक्ष। अध्यक्ष महोदय कोई मतलब नहीं हुआ, हम तो अपना बात नहीं ना कि कल्पना कर रहे हैं या अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा किया गया, हम तो जो डेटा है, जो साइंटिफिक डेटा है, जो एजेंसियां है संवैधानिक उसी की ना बात कर रहे हैं, तो उस पर भी आप लोग सवाल उठा रहे। मतलब सच सुनने का किसी को ताकत नहीं, तो मिटवा दीजिए। या तो विजेंद्र जी कह रहे थे हमारे अभिभावक हैं, अनुभवी हैं, सब कुछ रह चुके हैं, बस मुख्यमंत्री नहीं। तो आपने तेजस्वी यादव को सुना, बात रिपोर्ट्स की हो रही थी। अलग अलग एजेंसियां जब बिहार और अलग अलग राज्यों को लेकर रिपोर्ट पेश करती है, उसी को लेकर बात विवाद हो रहा था। तेजस्वी यादव सीएजी की बात कर रहे थे और उस पर जब स्पीकर की तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से सवाल पूछे जाने लगे तो तेजस्वी यादव गुस्सा गए और उन्होंने ये कह दिया कि जब आप इसे मान ही नहीं सकते हैं तो क्या करें, इसे फाड़ कर फेंक देना चाहिए क्या? लाइव सिटीज के साथ आप बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।